व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निहाना गुड लाइफ। मेरा नाम है भावना वर्मा। आज के वीडियो में मैं ट्राई करूंगी स्कार्फ हैक्स। स्कार्फ्स के आपने काफी हैक्स देखे होंगे, तो मैं उनमें से कुछ ट्राई करूंगी। तो वो हैक्स ट्रेंडिंग रील से मैंने देखे हैं और देखेंगे कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं, कि वो कितना वर्क करते हैं या नहीं, उनको हम बाहर पहन के जा सकते हैं या नहीं। वैसे मुझे हैक्स तो काफी ज्यादा पसंद है और ब्यूटी और क्लोथिंग स्टाइल हैक्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं खुद भी काफ़ी सारे ऐसे हैक्स ट्राई करती रहती हूँ और अब मुझे ये देखना है कि ये हैक्स कितना वर्क करेंगे और मुझ पर अच्छे लगेंगे भी या नहीं। वैसे हैक्स तो लाइफ को इजी करने के लिए होते हैं, तो कोई भी ऐसा हैक नहीं होना चाहिए कि उसमें आपका टाइम वेस्ट ही हो जाए या आपकी सारी उसमें मेहनत ही चली जाए। तो ऐसा तो कोई हैक नहीं होना चाहिए, सिंपल और ईजी होना चाहिए जो आपके टाइम और मेहनत दोनों बचाए और साथ ही वो दिखने में अच्छा भी लगे, क्योंकि हर हैक हर बॉडी टाइप पर हर पर्सन पर सूट नहीं कर सकता है। हो सकता है वो एक पर अच्छा लगे, दूसरे इंसान पर नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी, तो उसको फॉलो करके भी आप उस हैक को भी समझ सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग भी ट्राई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। फर्स्ट हैक के लिए मैंने ये स्टॉल लिया है, थोड़ा दुपट्टा टाइप है। ये जो आगे का पार्ट है इसको एक टॉप की शेप में लाने के लिए और थोड़ा फोल्ड किया है, थोड़ा इससे स्टाइलिश लगे और ये मुझे अभी से अच्छा लगने लगा है। थोड़ा ये बस इतना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों साइड ना इक्वल हो और पीछे से इस तरह से नोट। काफी अच्छा लग रहा है ये लुक तो, बट ये मैंने शायद थोड़ा गलत कर दिया क्योंकि इसके जो ये निकले हुए हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये वैसे काफ़ी अच्छा टॉप लग रहा है, मतलब मैं विदाउट इनर या जैसे अभी मैंने ब्लैक पहना हुआ है इसके बिना तो मैं नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन इस तरह से पहन सकती हूँ। इसको थोड़ा नीट और बनाना होगा तो अच्छा लगेगा। वैसे ब्लैक के साथ जा रहा है तो एक लुक तो तैयार हो ही गया। मैंने डेफिनेटली वर्क किया है, प्रैक्टिकल है, इररिलेवेंट फैशन नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें जैसे अगर ये थोड़ा सा और पतला होता तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, और मैं अगर थोड़ा और टाइम देती हूँ तो इसको थोड़ा और अच्छा मैं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली ये है वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। पीछे से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो इस लुक के लिए मैं टिप देती हूँ कि वैसे तो बहुत अच्छा ये हैक है, जिसने हैक किया है उन्होंने विदाउट इनर पहना है, मतलब डायरेक्ट इस टॉप को पहना है, तो अगर जो पहन सकते हैं तो वो डेफिनेटली इस तरह से पहने, बट जो मेरे जैसे हैं जो डायरेक्ट इस तरह से नहीं पहन सकते हैं, इस तरह का कोई इनर या कुछ ऐसी ड्रेस भी होती है बॉडीकॉन तो उसके हिसाब से भी आप इसको पहन सकते हो। अगर कोई इतनी नी लेंथ की आपकी ड्रेस है, फुल लेंथ ड्रेस है या कुछ ऐसा जो आपकी बॉडी हगिंग हो तो उस पर इसको आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगने वाला है। और एक और टिप, अगर फ्लोरल में आपकी पूरी ड्रेस है या जो भी आप अंदर पहन गए हैं तो उसके ऊपर प्लेन, बिल्कुल प्लेन जो है ये स्कार्फ या स्टॉल है उसको बिल्कुल प्लेन लें, जिससे वो डिफरेंट दिखे, अलग लगे और एक बहुत अच्छा लुक लगे। और जैसे अगर मैंने अभी ये ऑल ब्लैक पहना है तो उसके ऊपर ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से कुछ ट्राई कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा नीट नहीं है बट समझ में आ गया है कि काफ़ी अच्छा है, तो थम्स अप फॉर दिस हैक। तो ये है सेकंड हैक, इसमें एक चेन ली है और स्कार्फ है
तो इस टाइप की चेन तो मेरे पास है नहीं, और जो इस टाइप की बैग में है मेरे एक, तो वो मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि बहुत छोटी होगी। बट स्कार्फ मेरे पास बड़ा है तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं ये सेटिन स्कार्फ लूँगी जो स्क्वायर शेप में है, तो देखते हैं ये कैसा लगने वाला है। इस तरह से हो गया, थोड़ा साइड से लेना है पूरा, ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए या तो प्लेन ब्लैक लेना होगा, कुछ पास ज़्यादा फैब्रिक है तो या तो मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ। अगर इसको आगे छोड़ेंगे तो थोड़ा ज़बरदस्ती सा लग रहा है कि हाँ कुछ भी पहना हुआ है, तो इसको अगर इस तरह से भी स्टाइल करना है और कुछ ऐसी चेन है तो यहाँ तो टक कर सकते हैं। वाला पार्ट है जो कि नीचे होना नहीं चाहिए था क्योंकि इसकी बैक साइड है, बट अब पहन लेते हैं। और जो ऊपर वाला है इसको नॉट बनाई है इसकी, ओके ठीक है। हैक तो काफ़ी अच्छा है लेकिन ये जो मैंने यूज़ किया उस चेन की जगह, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो या तो इसकी जगह ब्लैक होता या सेम प्रिंट में स्कार्फ होता या सेम कलर में, तो ये थोड़ा चला जाता। और ये भी एक ऐसा हैक है, अगर आपको इसे विदाउट इनर पहनना है तो आप पहन सकते हैं क्योंकि थोड़ा रिवीलिंग है, तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बहुत इसको नीट करना पड़ेगा जिससे इतना गंदा सा ना लगे, बट अच्छा है ये है, वर्क करता है। मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं, और जो अगर इस टाइप की चेन होंगी तो ऐसी ले सकते हैं अगर उनमें काफ़ी सारे इसी तरह के कुछ हैक्स और ट्राई करने हैं तो, बट ये हैक भी अच्छा है। और इस हैक के लिए टिप मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। तो ये बेल्ट ले रहे हैं या आप चेन ले रहे हैं, वो एक जो हमारा ड्रेस है या टॉप है उसका ही एक पार्ट लगना चाहिए, बहुत अलग से नहीं लगना चाहिए जो कि मेरा लग रहा है अभी। और इसको ना इस तरह से ही करके यहाँ से पिन अप करके थोड़ा ऐसे बेल्ट लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचा था इसको थोड़ा और नीचे कर, जब मैं ऐसे पिन अप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा। मैं बस आपको ऐसे दिखाया है कि इस तरह से इस लुक को और भी अच्छा कर सकते हैं अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। आप किस टॉप में या किस ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको एग्जांपल दिया है जो मुझे अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने अंदर पूरा एक टॉप और पैंट पहनी हुई है। तो अब देखते हैं थर्ड हैक। तो ये नेक स्कार्फ है जो कि मुझे नेक और हेड स्कार्फ काफ़ी अच्छे लगते हैं, उसको रीस्टाइल करना अलग अलग तरीके से मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं क्योंकि यहाँ तो अच्छा लग रहा है। अभी मैंने ब्लैक पहना है तो मैं इसके साथ ये ट्राई कर सकती हूँ। फिर मैंने इसको ब्लैक ड्रेस के साथ अपना काफ़ी पहना है तो इसके साथ भी अच्छा लगना चाहिए। काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जितना वो नहीं है बट फिर भी ट्राई करते हैं इसको। मैंने इसके लिए ना बैंगल्स नहीं लिए हैं क्योंकि वो थोड़े पतले थे तो वो थोड़ा अलग लगता है, मतलब पता चलता है कि आपने बैंगल्स पर कुछ ट्राई किया है। ये इयररिंग्स हैं और ये थोड़ा इसकी जो वो एकदम प्लेन नहीं है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पीछे से ऐसे किया है हाथ और फिर इसमें ऐसे कर दिया। वैसे इस टाइप की मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं बट सेम है ट्राई नहीं किया कभी। थोड़ा ना क्लासी लुक आ रहा है, हो सकता है वीडियो में इतना अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि दूर से देखते हैं, बट पास से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है सारे काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस हैक के लिए टिप है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपने कंफर्ट का, आप इसको पहनने के बाद कंफर्टेबल हैं या नहीं। मैं इस तरह से पहनती रहती हूँ तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोई बैंगल्स नहीं लेने हैं जो आप पहनते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये इयररिंग्स भी बड़े हैं बैंगल्स की तरह ही है, तो थोड़े छोटे हों अगर तो उसको ट्राई कर सकते हैं, से काफ़ी नीट लुक आ रहा है। और अगर डिफरेंट कलर्स के भी ऐसे इयररिंग्स हैं तो उनको और किसी स्कार्फ के साथ भी देख सकते हैं ट्राई करके। और इसके साथ जो भी आप पहनने वाले हो तो उसका ध्यान रखना है कि या तो वो वी नेक में हो या उसका नेक काफ़ी ब्रॉड हो, मतलब आपका ये एरिया दिखना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर कोई पोनी है
का कुछ बन बनाना है तो तब भी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर ये पीछे दिखता भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लुक तो अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ साथ अगर पोनी है जो कि मैं अक्सर करती हूँ साफ को ऐसे इस तरह से ही साथ में जब अपने हेड पर बांधती हूँ तो इस तरह से यहाँ लगा लेती हूँ। रबर की भी ज़रूरत नहीं थी और ये साथ में ही हो गया पूरा और लुक भी कंप्लीट हो गया। बट ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या सूट कर रहा है हम पर ज़्यादा, क्या अच्छा लग रहा है। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा है, तो इस लुक को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और काफ़ी स्टाइलिश भी है। तो ये थे स्कार्फ हैक्स जो कि काफ़ी अच्छे थे, मुझे काफ़ी पसंद आए और आप भी ट्राई कर सकते हैं कुछ टिप्स को फॉलो करके। और आप अपने अकॉर्डिंग में कुछ भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको बिल्कुल पूरा फ्रीडम है आपको अपने हिसाब से कुछ अच्छा करने का, कुछ यूनिक, कुछ स्टाइलिश, कुछ क्रिएटिव करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें सबके साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल निहाना गुड लाइफ को और बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक कर दें जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले और सही समय पर पहुँचे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।